नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपको सीधा लेके चलते हैं मथुरा, जहां पे हमारे संवाददाता नितिन कुमार मौजूद है बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के साथ। एसके शर्मा, मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से प्रत्याशी चुने गए हैं, सीधे आपको मथुरा लेके चलते हैं, जहां पे हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं। मथुरा की जो वृंदावन विधानसभा सीट है, यहाँ पर जो लड़ाई है ये काफी अहम होती जा रही है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एक तरफ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, पहले 5 साल विधायक रहे हैं, और सबसे कड़ी टक्कर अगर उन्हें कोई दे रहे हैं तो वो है बसपा से एसके शर्मा साहब, जो पहले पुराने भाजपा ही रहे हैं, भाजपा से अलग होकर बसपा में शामिल हुआ और उस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। वो यहाँ से बसपा के प्रत्याशी है और जिस तरह से जन समर्थन इनके साथ है, जिस तरह से जब ये सड़क पर निकल रहे हैं पब्लिक का समर्थन इनके साथ मिल रहा है, जगह जगह पर लोग रुक करके इन्हें अपनी समस्या बता रहे हैं और ये उन समस्याओं को हल करने की बात कर रहे हैं, तो ये साफ साबित होता है कि इस बार इस सीट पर लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प है और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा और एसके शर्मा साहब इस सीट पर एक बड़ी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शर्मा साहब, बड़ी लड़ाई है यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ शर्मा दूसरे हैं, वो 5 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल बिता चुके हैं, दावेदारी बता रहे कि हमने बहुत बेहतर काम कर दिया है, लेकिन आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहना है इस पर, क्या लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, उन समस्याओं का हल कैसे हो? जनता ने ये दिखा दिया है कि यहाँ लड़ाई कुछ है ही नहीं, जिसका जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का जिसे अपमान हुआ है, काम नहीं हुए हैं, जिसे भ्रष्टाचार हुआ है, जनता इसमें बदला लेना चाहती है, जनता इसमें अपने अपमान का बदला लेना चाहती है। जो काम नहीं हुए, विकास नहीं हुआ है, उसका भी अपना लोग जो इंतजार था, चुनाव का इंतजार था, अब वक्त आ गया है कि इस समय पूरा जन सैलाब हमारे साथ उमड़ रहा है, ये जनता जानती है। काफ़ी लंबे समय से हम सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं, न हमने कभी कोई दल देखा, न पार्टी देखी, न कोई जाति देखा, न धर्म देखा। आप समस्याओं की बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो वो कौन कौन सी प्रमुख समस्या है, क्योंकि मैं मथुरा पे देख रहा हूँ तो सड़क की दिक्कत है, यहाँ पर काफी कुछ विकास हुआ होता तो ये जनसैलाब हमारे साथ क्यों होता? पूरा जनसैलाब हमारे साथ, विकास नहीं हुआ है, इनका अपमान हुआ है, इनका शोषण हुआ है, भ्रष्टाचार के माध्यम से इनको लूटा गया है। बताइए, 60-60 हजार FIR बिजली की छापे लगवाना, ₹500 जो बिजली का बिल बकाया है उस पर कनेक्शन कटवाना, 3-3 बार स्मार्ट मीटर चेंज कराना। ऊर्जा मंत्री नहीं, मैं कह तो रहा हूँ ऊर्जा मंत्री है, तो मुझे जनता दिखाई दे कौन से मंत्री है। सुनने में आया कि बड़ी संख्या में FIR भी हुई है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, 60-60 हजार FIR। दूसरा, पहले 100 वाट का बल्ब जलता था, 200 वाट का बल्ब जलता था, बिल आता था 200-300 रुपए का, अब बल्ब तो हो गया 3 वाट और 5 वाट का, और बिल हो गया 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 50,000, 80,000 का, जिससे लूट हुई है, जनता का छलावा हुआ है, जनता अपमान हुआ है, जनता उसका बदला देने की बिल्कुल इंतजार कर रही थी, अब जनता निकल पड़ी है और जनता ने मन बना लिया है कि मथुरा में परिवर्तन कराना है और एसके शर्मा जैसे समाज सेवी को जिताना है। मेरा एक सवाल, आप लोग शांत रहिए। मेरा सवाल ये है सर कि कैंपेनिंग आपकी लगातार चल रही है, सवाल ये है कि यहाँ के लोगों की यमुना से बड़ी आस्था है और यमुना सफाई को लेकर के सरकार ने काफी कोशिशें करी, बड़े बड़े बजट पास किए गए, लेकिन कल मैं यमुना की तरफ गया था तो वहां पर केमिकल फैक्ट्रीज का जो कचरा है, नालियों का जो पानी है, सीवेज का जो पानी है, वो लगातार उसमें बह रहा है, तो ये कौन सी निगरानी थी जो सरकार कर रही है? यही तो सफाई हुई है कि 18-18 खुले नाले जमुना में छोड़ दिए गए, पूरी गंदगी जो सीवेज लाइन की गंदगी है वो भी जमुना में छोड़ दी गई, जमुना ये शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जमुना माता को गंदा किया गया है, इसलिए जमुना माता भी तैयार बैठी हुई है कि जिन लोगों ने जमुना माता को गंदा किया है, जिन्होंने वादा किया था, जिनकी सोच में अंतर है, वादा खिलाफी की है जमुना माता के साथ, यमुना माता के साथ ही नहीं, यहाँ की जनता के साथ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, नाली टूटी हुई पड़ी है, सड़क टूटी हुई पड़ी है, बिजली के तार जाके देखिए खुले हुए नंगे तार पड़े हुए हैं, कितने करंट लग लग के, मतलब भैंस मरती हैं, गाय मरती हैं, कितने जानवर मरते हैं, कितने नौजवान मरते हैं, कितने बच्चे मरते हैं, कितने आदमी मरते हैं, आए दिन घटना होती हैं, जनता सबक सिखाएगी, हमारे पर विश्वास है जनता को, हम विकास कराएंगे,
और एस के शर्मा ने आज तक असत्य नहीं बोला है, सत्य बोलता है, जनता जानती है, इसलिए सत्य के साथ है जनता, धर्म के साथ है और विकास के साथ है, न्याय के साथ है और नीति के साथ है। अधर्म, अनीति, अत्याचार और भ्रष्टाचार के हम भी खिलाफ है और जनता भी खिलाफ है, इसलिए जनसैलाब उमड़ रहा है और इन्होंने मन बना लिया है कि मथुरा में परिवर्तन कराना है। और ऐसा मेरा एक सवाल है सर, पश्चिम में और ये ब्रज की भूमि पर लगातार जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं वो अपना जमावड़ा बनाए हुए हैं, किस चीज का डर है उनके अंदर? ऐसा है, जनता ही कुर्सी में बिठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है, कोई लीडर बीट नहीं, काऊ की जेब में वोट ना भर रहे, देने वाली जनता है, जनता हमारे साथ है, जनता ने 2070 में उनको बिठाया था और जनता इस समय उनको उतारने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इनका जो जनसंपर्क है वो चल रहा है, लगातार ये जनता से मिल रहे हैं और यहाँ पर जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं से अपने आप को जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं। ये देखिए इस तरह से। अच्छा, मैं और भी कुछ लोगों से जुड़ूंगा यहाँ पर। श्रीकांत शर्मा जी ऐसे पैदल नहीं घूम सकते हैं किसी भी गली में, किसी भी शहर में, किसी भी उसमें रोड पर। अगर शर्मा जी ऐसे घूमे श्रीकांत शर्मा जी तो हम उनको जो है बहुत कष्ट हुआ है। क्या देख रहा हूँ आपको खुद दिख रहा होगा, पूरा जन समर्थन इनके साथ है, पूरा समाज इनके साथ है, पूरा मथुरा का वोटर इनके साथ है और पूरी मोहतर हमारी बिरादरी, पूरी कृष्णा राधानगर और पंजाबी समाज पूरा इनके साथ है। आप किसी प्रकार से भी ये सोचिए कि जो इनके साथ मथुरा का वोटर जो 5 साल अभी तक जो छला गया है, अब उनको एक कैंडिडेट ऐसा मिला है कि उनको पता है वो इनका मान सम्मान भी करेंगे और इनके विकास कार्य भी आगे बढ़ाएंगे और इनके लिए आगे जितने भी समाज के हमारे कार्य हैं हम इनको मान सम्मान जो देंगे, ये उन मान सम्मान का सूद समेत हमको वादा देंगे और सूद समेत हमारा ये कर्जा भी उतारेंगे। ऐसे एस के शर्मा जी को हम समर्थन करने जा रहे हैं और समर्थन करते हैं और समर्थन करेंगे। क्या नतीजे रहेंगे 10 तारीख को? 10 तारीख के नतीजे के बारे में एक मिनट मैं नतीजों की बात करूं क्योंकि सरकार कह रही है कि नतीजे जो होंगे वो बिल्कुल उलट फेर करने वाले, हम 300 पार फिर से जा रहे हैं, नतीजे क्या होंगे मथुरा में? नतीजा क्या होगा ये जनता खुद बता रही है, बाकी जनता जिसको सम्मान मिलेगा वह सम्मान लौटाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। इस विधानसभा के समीकरण में कोई नहीं है टक्कर में, एकमात्र माननीय श्री एस के शर्मा जी, जब वोट का डब्बा खुलेगा उसी दिन पता पड़ेगा कि कितने वोटों से जीत हुई और इतिहास रचा जाएगा। समय उनका न्याय जनता करेगी जी। तो ये एस के शर्मा साहब थे और लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जनता की समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए और जनता की समस्याओं को समझा जाए। हाँ भाई साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या समीकरण है इस बार और जिस तरह से ये देखा जा रहा है, दावेदारी देखी जा रही है, इस दावेदारी का नतीजा क्या होगा इस विधानसभा सीट? मथुरा का समीकरण एक तरफा होगा, एस के शर्मा बहुत वोटों से जीतेंगे और यहाँ इतिहास दुनिया ने बदला है, लेकिन एस के शर्मा यहाँ का भूगोल बदलने का काम करेंगे और यहाँ जो श्रीकांत शर्मा है आज तक कभी किसी के जो है उसमें नहीं आया है। एस के शर्मा जी यहाँ सभी लोगों का जो है पूरे तरीके से जो है वो करते हैं सहयोग और पूरा वो करते हैं। तो ये एस के शर्मा साहब थे जो लगातार अपने जनसंपर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं मथुरा की इस वृंदावन सीट से और लगातार उनकी तरफ से कोशिश है कि जनता की समस्याओं को सुना जाए और बीते 5 साल में इस विधानसभा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका भी जो नतीजा है वो जनता के सामने रखा जाए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। तो आपने एसके शर्मा को सुना जो कि पहले भाजपा से प्रत्याशी थे, 4 बार प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है और आने वाले चुनाव में उन्होंने विकास का वादा किया है, काफी जन समर्थन मिल रहा है और उन्होंने बताया है कि क्या कुछ विकास कार्य होना जरूरी है मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पे। फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।